इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे कि कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्गीकरण है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं इन सभी के बारे में, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप अर्थात भौतिक रूप जो लगातार बदलती रहती है का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति अत्यंत धीमी होती है। अब यह कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गया है तो इस कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है जो कि लगातार बदलती रहती है। एक साधारण घड़ी, वाहन की गति मीटर, वोल्ट मीटर, ये सभी एनालॉग कंप्यूटिंग का उदाहरण है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। इसकी गति तीव्र होती है और वर्तमान में इसका प्रचलन अधिकांश कंप्यूटरों में किया जाता है। तो ये हुआ डिजिटल कंप्यूटर। और अंतिम होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है। इसमें गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट और आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होंगे, जबकि प्रोसेसिंग और गणना डिजिटल रूप में होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये हुआ कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसमें कंप्यूटर को तीन वर्गों में बांटा गया है तकनीक के आधार पर।